हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शोमी। आज की वीडियो एक रिव्यू वीडियो है एंड आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट की रिव्यू शेयर करूंगी। आज मैं जो प्रोडक्ट की रिव्यू शेयर करूंगी वो है ये पॉन्स की बीबी क्रीम। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए, एंड सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये है पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी बीबी प्लस फेयरनेस क्रीम। सो फर्स्ट बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो इसकी जो पैकेजिंग है वो ब्राइट पिंक एंड सिल्वर कलर की कार्डबोर्ड पैक है। देखिए, इसके ऊपर लिखा है पॉन्स व्हाइट ब्यूटी बीबी प्लस फेयरनेस क्रीम ऑल इन वन। एंड अब इसको ओपन करते हैं। तो ये है मेन प्रोडक्ट, यह है मेन प्रोडक्ट। सो यह है प्लास्टिक, तो यह है व्हाइट कलर की प्लास्टिक की ट्यूब एंड इसकी जो कैप है ये सिल्वर कलर की है। तो अब इसको ओपन करूंगी इस तरह से। सो ओवरऑल इसकी पैकेजिंग जो है वो बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो, एंड ये ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है। आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो, आपकी छोटा जो पार्स है उसमें भी इसको आप कैरी कर सकते हो। एंड इसकी जो प्राइस है वो है 140 एंड आप इसको 2 साल तक यूज कर सकते हो। इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है एंड आप इसको किस तरह से यूज करोगी वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो एंड इसमें लिखा है ऑल इन वन बीबी प्लस फेयरनेस क्रीम एंड एसपीएफ 30 पीए डबल प्लस के साथ ये आते हैं। एंड मेरे पास जो पैक है इस ये 18 ग्राम्स की पैक है। सो यहाँ पे मेरी जो शेड है नेचुरल कवर, इसमें 1 शेड ही अवेलेबल है। तो 1 जो शेड है इसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है नेचुरल कवर। सो मैंने इसको मेरी लोकल मार्केट से परचेस किया है, आप चाहे तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, ये सब जगह पे इजीली अवेलेबल है। सो आप ट्राई कर सकते हो। तो अब मैं प्रोडक्ट को आपको दिखाती हूँ। सो ये है प्रोडक्ट एंड इसकी जो टेक्सचर है वो थिक है एंड क्रीमी है, थिक क्रीमी टेक्सचर है, आप देख सकते हो। एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो माइल्ड फ्लोरल फ्रेग्रेंस है। सो गाइस, अब मैं मेरी फेस पे इसकी एप्लीकेशन दिखाऊंगी, एप्लीकेशन देख लीजिए, देन मैं इसके बारे में मेरी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। सो गाइस, अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूं। इसको मैं डॉट डॉट करके मेरी पूरी फेस पे अप्लाई करूंगी। फर्स्ट मैं मेरी हाफ फेस पे इसको अप्लाई कर रही हूं ताकि आप डिफरेंस अच्छे से देख पाओ। तो अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूं।
अच्छे से ब्लेंड हो रही है, आप देख सकते हो। अब मैं इस ब्रश को यूज कर रही हूँ। बहुत ही लिटिल अमाउंट लिया हूँ, सो इसलिए लाइट कवरेज आप देख सकते हो। यू कैन सी द डिफरेंस। सो अब मैं पूरी फेस पे इसको अप्लाई कर लूंगी। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन हो तो आप इसको अप्लाई करने से पहले आपकी जो रेगुलर यूज़ आप जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो तो उसको अप्लाई कर लेना, ताकि इससे अच्छे से इस बीबी क्रीम आपकी फेस पे ब्लेंड हो जाएगी। सो हो गई है। तो अब मैं मेरी फेस को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट से सेट कर लूंगी। गाइस, आप लोग एप्लीकेशन में देखा है कि ये बहुत ही लिटिल अमाउंट लगते हैं पूरी फेस को कवर करने में, एंड बहुत ही इजीली ये अच्छे से मेरी फेस पे ब्लेंड हो गई है। एंड अच्छे से ब्लेंड करने के बाद लगते नहीं कि हेवी कुछ मैंने अप्लाई किया है मेरी फेस पे। बहुत ही लाइटेड फॉर्मूला है एंड बहुत। गाइस, इसके कवरेज की बात करूँ तो ये लाइट टू मीडियम कवरेज देते हैं। फेस पे कोई माइनर ब्लेमिशेस, रेडनेस या एक्ने मार्क्स हो तो ये अच्छे से कवर करेगी, लेकिन आप हेवी कवरेज चाहते हो तो ये आपके ऊपर कम नहीं करेगी। ये सिर्फ लाइट टू मीडियम कवरेज के लिए है, एंड डे टाइम पे एवरीडे मेकअप के लिए ये आप अच्छे से यूज कर सकते हो। ये स्किन को इवन करते हैं एंड बहुत ही नेचुरल एंड ब्यूटीफुल लुक देते हैं। अच्छे से अप्लाई करने के बाद इट्स लुक सो नेचुरल एंड ब्यूटीफुल फिनिश है इसकी। मैं पर्सनली इस बीबी क्रीम को लॉन्ग टाइम स्टे करने के लिए इसको अप्लाई करने के बाद कॉम्पैक्ट से मेरी फेस को सेट कर लेती हूँ, तो ये लॉन्ग टाइम मेरी फेस पे स्टे करते हैं। सो ये बीबी क्रीम फेस पे इजीली ब्लेंड हो जाते हैं, ए स्किन टोन को इवन करते हैं। इसमें SPF 30 PA डबल प्लस है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसमें सनस्क्रीन दिया हुआ है एंड
ये बीबी क्रीम फेस को एक नेचुरल ग्लो देते हैं एंड इसकी जो फॉर्मूला है वो बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है जिससे आपको ग्रेसी फील नहीं होगी एंड इसकी जो पैकेजिंग है वो ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है एंड ये इजीली अवेलेबल है एंड एफोर्डेबल भी है। ये वन शेड में अवेलेबल है एंड नेक्स्ट जो है अगर आपकी बहुत ही ड्राई स्किन हो तो आपको ये पसंद नहीं आएगी क्योंकि ये आपकी फेस को ज्यादा ड्राई कर सकते हैं। एक हो सकते हैं कि आप इसको अप्लाई करने से पहले आपकी फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए देन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस पर्सनली आई लव दिस बेबी क्रीम क्योंकि एवरीडे नेचुरल मेकअप लुक के लिए ये बेबी क्रीम परफेक्ट है। स्पेशली जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स या वर्किंग वुमेन्स हो उसको मैं ये बेबी क्रीम रिकमेंड करती हूँ। आप लोग एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिए। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगी। सो गाइज अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए एंड आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। मेरे अदर्स वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।